बाल तपस्वी, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। जन, महाराज जी का जन उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के अकबरपुर नामक एक छोटे से गांव के जमींदार परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। महाराज जी की बचपन से ही अध्यात्म में अभिरुचि थी। महाराज जी बाल अवस्था में ही घर छोड़कर तपस्या के लिए निकल गए। काफ़ी जगहों से होकर महाराज जी ने गुजरात के बवानिया नामक गांव में घंटों तालाब में खड़े रहकर तपस्या की। वहां लोग उन्हें तलैया वाले बाबा के नाम से जानने लगे। बवानिया में महाराज जी ने हनुमान जी की पहली मूर्ति की स्थापना की। कहते हैं कि तपस्या करके महाराज जी ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी, जिनमें अन्नपूर्णा और अणिमा सिद्धि भी शामिल है। लोग ऐसा मानते हैं कि 17 वर्ष की उम्र में ही महाराज जी को पूर्ण ज्ञान हो गया था। इसके पश्चात महाराज जी कई जगहों पर गए और अंततः उन्होंने फर्रुखाबाद के नीब करोरी नामक गांव में करीब 12 वर्षों तक गांव वालों के द्वारा बनाई गई गुफाओं में रहकर कठोर तपस्या की। पहली गुफा नष्ट हो जाने के बाद महाराज जी ने गांव वालों को दूसरी गुफा की रक्षा करने के लिए गुफा के ऊपर एक हनुमान मंदिर बनाने को कहा। यहीं पर महाराज जी ने हनुमान जी की दूसरी मूर्ति की स्थापना की। महाराज जी का शिव रूप। एक बार एक सेवक को महाराज जी के दर्शन शिव जी के रूप में हुए। नीव करोरी में महाराज जी का एक अनन्य भक्त रोज उनके दर्शन करने आता था। एक दिन वह गलती से महाराज जी की आज्ञा लिए बिना उनकी गुफा में घुस गया। उन्होंने महाराज जी को समाधि में पाया और देखा कि उनका पूरा शरीर लंबे लंबे सांपों से लिपटा था। महाराज जी को इस रूप में देखकर सेवक वहीं बेहोश होकर गिर गया और फिर उनके स्पर्श से ही ठीक हुआ।